दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका इंतजार आप लोग महीनों से कर रहे थे। मतलब जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने मॉल 91 से स्टार्ट किया था, आपको मालूम होगा, तो मैं तरह तरह का प्लेटफॉर्म लाता था, आपको बताता था, तो उस सारे वीडियोज में आप कमेंट करते थे, बोलते थे कि सर प्लीज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जहां पे सेल्फ इनकम हो, मतलब उस प्लेटफॉर्म से कुछ एक्टिविटी करें और वहां से इनकम जनरेट हो और वो मुझे मिले। क्योंकि अभी तक जितना भी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताया हूँ, करीब करीब दोस्तों सभी प्लेटफॉर्म जो है MLM टाइप का है, नेटवर्किंग टाइप का था, लेकिन आप लोग का हमेशा से डिमांड रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके लिए मैंने सर्च किया, काफी जो है ढूंढा इंटरनेट पे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, बल्कि लीगल भी होना चाहिए, जेन्युइन भी होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है है ना, लेकिन लीगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो आप सभी लोग के लिए एक लीगल प्लेटफॉर्म में ढूंढ के लाया हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, मैं खुद आज ज्वाइन किया हूँ। अब मुश्किल से दोस्तों यहाँ पे पांच मिनट उसमें मैं काम किया हूँ, और कितना अर्निंग आया है 5 मिनट में वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे और सारा कुछ बताऊंगा। क्योंकि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जो कि कल मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूछा था आप सभी लोगों से कि कितने लोग ऐसे हैं जो इच्छा रखते हैं कि हाँ सर वो प्लेटफॉर्म लाइए जिसपे हम लोग ये एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके इनकम सेल्फ जनरेट किया जाए। तो आप लोगों ने भरभर कमेंट किया है दोस्तों, कमेंट ही नहीं बल्कि आप लोगों ने व्हाट्सअप भी किया है, आप लोगों ने कॉल भी किया है और बोला है कि सर प्लीज जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कीजिए। तो ये साबित करता है कि आप लोग चाहते हैं कि सेल्फ इनकम कमाया जाए, सेल्फ इनकम यहाँ अर्न किया जाए। और दोस्तों मैंने बताया भी आपको कि वहां पे 30,000 रुपया पर मंथ आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पे, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कहीं भी ये स्किप करके है ना, बढ़ा बढ़ा के वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखिएगा हो सकता है मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ वो आपसे मिस कर जाए, वो आपसे छूट जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपसे वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ, खुलासा करता हूँ क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा कैसे काम करना है, ठीक है ना, सारा कुछ बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि थंबनेल में मैंने वहां पर लिख भी रखा है, YSense.com। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ इंडिया का है ना, विदेशी प्लेटफॉर्म है, लेकिन जेन्यून है, लीगल है। यहाँ पे दोस्त मैं आपको बता दूं कि एक भाई है जो यहाँ से 1,28,00,000 रुपया कमाए हैं 5 साल में। सोचिए इतना पैसा ये YSense.com से उन्होंने अर्न किया है। तो दोस्त मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो YSense.com जो है, यहाँ पे जो काम आपको मिलता है वो मेनली 4 तरह का काम मिलता है, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मेनली 4 तरह का काम आता है, मैं आपको ले जाऊंगा वो स्क्रीन पे, तो आपको बता दूंगा क्या क्या काम आता है। तो दोस्त मैं यहाँ पे आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे आप काम करना चाहते हैं तो दोस्त कम से कम आपको 5 से 6 घंटा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। अब ये भी नहीं कीजिएगा काम तो भैया क्या कीजिएगा, सेल्फ इनकम अगर अर्निंग करना है। वैसे दोस्त आपको पता ही है कि जो पैसा होता है ना, थोड़ा कष्ट तो लगता ही है पैसा कमाने में, इतना इजी से पैसा नहीं आता है। हालांकि अब जो है पहले की अपेक्षा बहुत चीजें आसान हो गई पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर भी मेहनत तो करना पड़ता है ना। तो मेहनत तो करना पड़ेगा भैया, मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 घंटे 7 घंटे आपको मेहनत इस पे करना होगा। वैसे भी आप कहीं काम करने जाइएगा तो 8 से 9 घंटा काम करते हैं, प्राइवेट में तो कहीं कहीं 9 से 10 घंटा भी काम करवाता है। तो इतना काम अगर 5 से 6-7 घंटा घर ही पर रह के वो करें, टाइम निकाल लीजिए, तो क्या दिक्कत है? तो सारा काम आपको यहाँ पे करना है, कैसे करना है सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि काम करने से पहले यहाँ पे क्या क्या चीज का सावधानी रखना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, वैसे भी कॉपी कलम का जरूरत पड़ेगा। जी हाँ, सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो आप काम कीजिएगा, जब काम करना स्टार्ट कीजिएगा तो एक नया कॉपी खरीद लीजिएगा और एक कलम ले लीजिएगा, पास में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दोस्त पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस और यहाँ पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो ये सारा चीज आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये फिट बैठ जाए। पेशेंस, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, उपजाना नहीं है। और दोस्तों ध्यान से टाइम लेके काम करना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि भैया तुमको इतना देरी में काम समाप्त करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आराम से काम करना है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो दोस्त सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है YSense.com, आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पे जाइएगा, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस नजर आएगा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है।
तो हो सकता है बहुत लोगों में ये ना आए लेकिन बहुत लोगों में आ सकता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो गॉट इट लिखा हुआ है उस गॉट इट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, है ना। यहाँ पे सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन शॉट के माध्यम से। तो जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वो सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा, ये स्क्रीन खुलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे साइनअप आपको करना होगा। आपको मालूम है किसी भी वेबसाइट में एंट्री के लिए साइनअप करना होता है, तो सिंपल आपको यहाँ पे साइनअप करना होगा। तो साइनअप करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है जो आपका रियल ईमेल आईडी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बनाना है, आपको खुद से एक पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड जब बनाइएगा, बहुत लोगों का क्या होता है कि बोलते हैं कि सर मेरा अकाउंट ही नहीं बन रहा है। समस्या यही होता है कि पासवर्ड सही नहीं बनाते हैं। पासवर्ड सही बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए कोई भी पासवर्ड, चाहे आप नाम लेटर, क्योंकि पासवर्ड जब बनाइएगा तो उसमें नाम लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, कुछ सिंबल भी होना चाहिए। लेटर का मतलब आप समझ रहे हैं ABCD, नंबर का मतलब 12 आप समझ रहे हैं, और सिंबल का मतलब है कि जो @ #, जो होता है मोबाइल का कीबोर्ड में होता है, वो होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जब भी लेटर लीजिएगा तो पहला लेटर कैपिटल लीजिएगा, है ना, और फिर स्मॉल लीजिएगा, उसमें कुछ नंबर डाल दीजिएगा, वो सिंबल डाल दीजिएगा, ये आपका पासवर्ड बन गया। कभी कभी दोस्तों 8 से 10 जो है डिजिट का पासवर्ड आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड बना लीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आई एग्री का जो है बॉक्स है उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब ज्वाइन नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इसमें क्या करना है दोस्तों, अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, है ना। जैसे मुकेश कुमार का नाम हुआ तो फर्स्ट नेम हुआ मुकेश, लास्ट नेम कुमार, वो डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो लिखा हुआ है उस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यूजर नेम दोस्तों, आप लोग के यहाँ पे एक यूजर नेम बनाना होगा। और जैसे बहुत, जैसे मेरा नाम मुकेश है, मुकेश कुमार है, तो मैं MUKESH मुकेश 123 ये यूजर नेम रख दिया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये यूजर नेम ऑलरेडी कोई लिए हुए रहता है, तो वहां पे लिख देता है कि भैया ऑलरेडी कोई टेकन किए हुए। तो आपको अलग अलग जो है यूजर नेम चूज करना है, अपने मन से बनाना है, ठीक है ना। कभी 123 कर दिए, 827, मतलब अपना बना करके यहाँ पे लिखना है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो चीज पहले से डला हुआ है यूजर नेम, अगर वो डालिएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखेगा कि भैया ये लिया हुआ है। यहाँ पे भी लोगों को दिक्कत होता है, अकाउंट नहीं बन पाता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। यूजर नेम जो है अपना डाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यूजर नेम जब डाल लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट, नीचे कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यू आर ऑल सेट, थैंक्स फॉर अपडेटिंग योर डिटेल्स, ऐसा करके यहाँ पे आपको ये इंटरफेस जो दिख रहा है आपको ये आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही आएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपके जो है ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा गया है, है ना। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना, ये वैलिडेशन लिंक हैज बीन सेंट योर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा। तो यहाँ से ईमेल आईडी अपना ओपन कीजिएगा आप, यहाँ पे सारा कुछ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए वाइसेंस लिखा होगा ईमेल आईडी में, वाइसेंस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये खुलेगा। यहाँ पे कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक कीजिएगा, कन्फर्म ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये इंटरफेस आपका खुल जाएगा, आपका साइन अप यहाँ पे हो चुका, सारा प्रोसेस यहाँ पे आप हो चुका, आप काम करने के लिए यहाँ पे तैयार है, ठीक है। आप यहाँ पे आप काम करने के लिए तैयार है पूरा तरह से, समझ गए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कीजिएगा कि चूंकि क्रोम में है तो यहाँ पे जाके क्रोम में आपको मालूम है कि ऐड टू होम स्क्रीन करना होगा, क्योंकि वेबसाइट है, बार बार हमको इसको खोलना है तो आपको ऐड टू होम स्क्रीन करना होगा। तो अपना ऐड टू होम स्क्रीन मैं बराबर वीडियो में बताया हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा ऐड टू होम स्क्रीन, ताकि आपके ऐप की तरह आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरह का जो है यहाँ पे आपके सामने आ गया है। अब इसके बाद कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ जो बताता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको अब लेके चलूंगा और वहां पे आपको डिटेल से बताऊंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बगल में स्क्रीन आएगा मोबाइल, उसको ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, समझ गए, और समझिएगा क्या इसमें करना है। और मैं बता दिया आपको, पेशेंस रखना है आपको, और दोस्तों घबराना नहीं है, आराम से काम करना है, टाइम लीजिए जितना टाइम लेना है आपको, आराम से जब तक समझ नहीं आए, और कॉपी कलम जो है पास में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं और वहां पे आपको अच्छा से बताते हैं क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या क्या यहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइसेंस को मैं ऐप जैसा यहाँ पे रखा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे
ये वाइसेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइसेंस को ऐसे में ऐप जैसा है ना मेरे मोबाइल में, आपके मोबाइल में ऐसे आ जाएगा, आपको ऐड टू होम स्क्रीन करना होगा। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सारा प्रोसेस तो आप कर लेंगे, साइनअप का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए फ़ोन भी आ रहा है, लेकिन फ़ोन मैं अभी नहीं उठाऊंगा दोस्त, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, है ना, आपको दिखाई दे रहा है ये सारा कुछ। अब यहाँ पे क्या है दोस्त कि जब इंटरफेस आपका खुलेगा, आप देखिए यहाँ पे मेरा, मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे, थोड़ा देख लीजिए जूम करके, 0.27 ये मेरा बैलेंस है दोस्तों। मात्र 5 मिनट मैंने काम किया था यहाँ पे, वो 5 मिनट का यह बैलेंस है, ठीक है। मात्र 5 मिनट में $0.27 आ गया है। अब 0.27 को अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, अगर रुपया में इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए कितना होता है, है ना, 0.27 × 82 22 रुपया 14 पैसा, मतलब इतना जो है 22 रुपया 14 पैसा मुझे 5 मिनट मैंने काम किया तो यहाँ पे मुझे मिला है, क्लियर है। अब दोस्तों देखिए कि जितना काम कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पे बस वही काम करना है, और दोस्त ईमानदारी से अपने काम को जो अंजाम देना है, ताकि काम कीजिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल आप पैसा अर्न कर सकते हैं, नो डाउट। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए, एक कॉपी कलम आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्यों रखिएगा, चलिए इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं, जब ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा इस प्रकार से, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो 3 डॉट लाइन आप देख सकते हैं, ये जो 3 डॉट लाइन है, इस पर जाइएगा, और इस पर जाने के बाद दोस्त यहाँ पे देखिए सर्वे लिखा हुआ है, दूसरा ऑफर है, तीसरा एफिलिएट है, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इसी प्रकार काम आएगा, सर्वे करने के लिए काम आएगा, ऑफर आएगा, यहाँ पे वीडियो वगैरह देखिएगा तो यहाँ पे आपको अर्निंग होगा। और एक दोस्तों एफिलिएट प्रोग्राम भी है, एफिलिएट मतलब रेफरल प्रोग्राम भी है, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। ये रेफरल प्रोग्राम जो है मैं बताऊँगा आपको, अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी आप लोग जो सेल्फ इनकम यहाँ से करेंगे उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहला है सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने बता दिया, लेकिन होम स्क्रीन पे दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है पेड सर्वे, आप इस पेड सर्वे को क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सर्वे है, ये सर्वे ये हो गया ऑलरेडी मैं दोस्तों किया था, ठीक है ना, मैं किया था इसको, तो ये जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, नीचे आता हूँ और दोस्त ये देख लीजिए, मेन यहीं से आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है योर सर्वे प्रोफाइल $0.02। दोस्तों यहाँ $0.02 है हर एक 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, मतलब तो यहाँ पे आपको $0.02 जो है आपको क्रेडिट होगा, ठीक है। अब 0.02 का मतलब हो गया 1 रुपया 65 पैसा। अब आप खुद सोच के देखिए, मुश्किल से दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आए उसको आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे आपके सामने आप देख सकते हैं, दो आंसर मैं दे चुका हूँ, जहाँ पे ये टिक लगा हुआ है, दूसरे आंसर मैं दे चुका हूँ। तीसरा ये जो क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है कि डज एनी वन एल्स इन योर हाउस होल्ड सफर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इलनेस। दोस्तों ये बोल रहा है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो अभी बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर ग्रस्त है तो उनका कंडीशन क्या है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है कौन बीमारी से ग्रसित हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लिखिएगा वो ऑटोमेटिक आप अपने कॉपी में भी लिखिएगा, क्योंकि ये रिपीट करता है बार बार, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसलिए पूछता है ताकि ये देखता है कि इनका ध्यान है कि नहीं है। मान लेते हैं कि अभी उत्तर में यहाँ पर कुछ दे दूँ, बाद में यही क्वेश्चन आए तो हमको याद नहीं रहेगा, तो वो चीज़ आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी और कलम अपने पास रखिएगा और ये लिख लीजिएगा आंसर। यहाँ पे कुछ भी आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही चीज़ दीजिए, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन वो चीज़ आप लिख लीजिए ताकि बाद में हम आंसर उसका वही दे सके। और दोस्त यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहाँ पर पूछता है कि आपके घर में कार है कि नहीं है, आपके जो है कितना फैमिली इनकम है, तो दोस्त प्रयास कीजिएगा ज़्यादा है ज़्यादा अमाउंट बताएं, चूँकि यहाँ पर थोड़ी सर्टिफिकेट हमको देना है या फिर वो जाँच करेगा कि इनके पास है, तो अपने आप को यहाँ पे ज़्यादा बड़ा दिखाना है, एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि आपको बोलता है कि इतना कमाते हैं, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो डालिएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ से आपका 15 साल एज होता है या 18 साल, आप डाल दीजिए कि हम 2 करोड़ रुपया कमाए हैं, तो ये तो दोस्तों होता है, 15-18 साल के मतलब कमाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है, जनरल नहीं है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा,
यानी कि अगर 2 करोड़ रुपया आप लिख रहे हैं तो अपना एज भी आप ज़्यादा बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं मांगेगा कि आपका एज कितना है। तो मेरा कहने का मेरा मतलब है कि आप बड़ा दिखाइएगा तो हर चीज़ में बड़ा दिखाइएगा, ठीक है, एज अपना है, लेकिन जो एज आप एक बार लिख दीजिएगा वही एज बार बार लिखिएगा और उसी एज के अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना होगा। क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ पूछता है, अब देखिए ये क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एनजाइटी लिख दिया, उसका आंसर मैंने दे दिया। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया, व्हाट्स स्पोर्ट्स यू रेगुलरली पार्टिसिपेट, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें आप रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी में आएगा, आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको कॉपी करके, इस क्वेश्चन को कॉपी करके आप जो है गूगल ट्रांसलेटर में जाके इसका हिंदी कर सकते हैं, हिंदी करके पढ़िएगा। अब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा, उसके अनुसार यहाँ जवाब दीजिएगा। और टाइम का फिक्र मत कीजिए, टाइम यहाँ पे आपको आराम से लीजिए, पढ़िए इसको, ठीक है। और यहाँ पे दोस्त आप क्या है कि धीरे धीरे आप जो है जवाब देते रहिएगा। चलिए यहाँ पे मैं बैडमिंटन लिख देता हूँ, आंसर कर देता हूँ, मैं फटाफट इसको बना लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूंगा कि ये 0.02 जरूर आया है कि नहीं आया है। आगे पूछ रहा है दोस्तों कि हाउ मेनी आवर्स अ वीक डू यू एक्सरसाइज, अब बोल रहा है कि आप कितना देर जो है एक्सरसाइज करते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपके लाइफ से पूछेगा, आपके जीवन से पूछेगा, आप क्या खाते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आपके पास कार है, बाइक है ना, यही सब पूछता है, आप बार बार यही पूछेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ आप लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं दोस्तों 1 से 2 घंटा दे दिया, मैं फटाफट यहाँ पे वो कर लेता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सारा जवाब मैंने दे दिया, यहाँ पे देखिए योर सर्वे प्रोफाइल कंग्रेचुलेशन यू हैव अर्न 0.02 डॉलर। अब ये जो पैसा है मेरा देखिए यहाँ पे ऐड हो गया होगा, 3 डॉट लाइन में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा, नाम दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.2 यहाँ पे मेरा अभी बढ़ेगा, मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी ये पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी ये रिफ्रेश मैं कर दिया हूँ, अब यहाँ पे अमाउंट मेरा ये बढ़ जाएगा, देखिए कितना हो गया 0.29 डॉलर हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्त कि आपको यहाँ से ये जो सिंपल सा आपका जो पेड कीजिएगा सर्वे जो यहाँ पे आप कीजिएगा, तो अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने 0.02 डॉलर कमा लिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आ गया है ना, फिर से 10 क्वेश्चन आ गया। तो ये जो 10 क्वेश्चन बराबर आपको आता रहेगा, आप जितना चाहे उतना जवाब दे सकते हैं। तो दोस्त मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मात्र 0.02 डॉलर अगर आप यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि 0.02 डॉलर है, अगर यहाँ पे आप 100 बार इसका आंसर देते हैं तो 2 डॉलर हो गया, ठीक है, 1000 बार अगर इसका आंसर देते हैं तो 20 डॉलर हो गया, 10000 देते हैं तो 200 डॉलर हो गया। तो दोस्तों अगर 200 डॉलर भी अगर आप यहाँ पे अगर 1,00,000 बार डालते हैं तो 2000 डॉलर हो जाएगा, 2000 डॉलर का मतलब हो गया दोस्तों 1,64,000 रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 100 या फिर 1000 ही देते हैं है ना, 1000 ही करते हैं तो 20 डॉलर हो जाएगा। तो 20 डॉलर का मतलब होता है दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि कितना हो जाएगा, 82 यानी कि 1640 रुपया। तो दोस्त अगर यहाँ पे आप 0.02 × 650 है ना, 650, और दोस्त यहाँ पे आप देख लीजिए अगर 650 गो आप देते हैं है ना, 650 बार आप ये 10-10 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि कितना डॉलर हो जाएगा, 13 डॉलर, 13 डॉलर का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1066 रुपया। अब इसको मंथली करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31980 रुपया है ना। तो यहाँ पे मात्र ये इसका जवाब आप दे देते हैं 650 बार 10-10 क्वेश्चन का, जो कि आपको दे सकते हैं, बराबर एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसका जवाब हम गलत दे देंगे तो क्या होगा, नहीं, आप कुछ भी जवाब दीजिए लेकिन उसको आप लिख लीजिए कि मैंने ये जवाब दिया था इस क्वेश्चन का, और जब दोबारा देखिए कि वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया है तो उसका जवाब देख लीजिए। तो आप खुद सोच के देखिए कि ये जो 0.02 है यहाँ पे हमेशा आते रहेगा, आपको हमेशा आते रहेगा यहाँ पे, अनगिनत आते रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना देर यहाँ पे इसको काम कर सकते हैं, इसमें जितना काम कीजिएगा उतना पैसा आपको यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। और यही नहीं है, ये तो मैं आपको बता दिया कि इसको आप कर सकते हैं आराम से, उसके बाद बहुत सारा सर्वे भी आता है देखिए ये सब भी सर्वे आता है जहाँ पे आपको 10 मिनट लिखा रहेगा, 5 मिनट लिखा रहेगा, 8 मिनट लिखा रहेगा, वहाँ पे आप दोस्त कर सकते हैं। और एक सर्वे नीचे ये आता है डेली पोल, ये दोस्तों ये देखिए 0.01 डॉलर यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे ये डेली आएगा आपको 0.01, बस इसमें क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, इसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये खुलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। यहाँ पे दोस्तों बोलता है कि हाउ डू यू यूजुअली अप्रोच ग्रॉसरी शॉपिंग, अब बोल रहा है कि आप जो है यूजुअली जो है किस ग्रॉसरी शॉपिंग में को अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको मन करता है वो दे सकते हैं, है ना, ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे दे दिए, पोल हो गया।
अब यहाँ पे दोस्तों कुछ करना नहीं है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद गो नाउ पे क्लिक कर देना है। गो नाउ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा कंग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे जीत गए। अब ये दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारा ये जो आया आपके सामने, यहाँ पे ऐप डाउनलोड करना होता है, ये सब ऐप है, ऐप डाउनलोड करके रखिएगा यहाँ पे। उस समय होता है कि इतना दिन रखिएगा तो इतना डाउनलोड देंगे, तो बहुत तरह का काम आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्त मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बैक हो जाते हैं। अब बैक होने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा 0.01 डॉलर मुझे ऐड हो गया होगा। अब देखिए यहाँ डेली पोल यू यहाँ क्या लिख रहा है, यू हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड टूडे डेली पोल। अब ये डेली पोल आज का ख़त्म हो गया है, फिर कल आएगा, समझ गए, ये कल आएगा, लेकिन ये हमेशा रहता है 10 क्वेश्चन वाला। अब देखिए यहाँ पे एक डॉलर और मेरा बढ़ गया होगा, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए जाके यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अकाउंट समरी में, तो देखिए 0.30 डॉलर हो गया। इसी प्रकार से दोस्त आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया सर्वे का, तो सर्वे का सबसे अच्छा उपाय है, देखिए यहाँ पे आप 3.line में जाइए, यहाँ पे 3.line में जाइएगा, सर्वे में जाइएगा। सर्वे में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना कंप्लीट सर्वे आप किए हैं, है ना, कितना कंप्लीट किए हैं, कितना क्या हुआ है, वो सारा डिटेल यहाँ पे देगा, हिस्ट्री देगा कि आप कितना सर्वे आपके पास आया है, आपने कितना किया है और उससे आपने कितना अर्निंग किया है, वो सारा कुछ देगा। उसके बाद दोस्तों ऑफ़र पे आते हैं, देखिए बहुत सारा ऑफ़र यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, माई चिप्स है, कुछ भी यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे दोस्त वीडियो देखने का पैसा मिलता है, वीडियो देखिए उसका पैसा मिलेगा, यहाँ पे ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करके रखिए उसका बेनिफिट पैसा मिलेगा, ये सब टास्क है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑफर में देखिए अनलिमिटेड क्रेडिट बाई टॉकिंग सर्वे। अब यहाँ पे इंस्टॉल ऐप एंड ओपन पॉलिसी बाजार, अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि पॉलिसी बाजार को इंस्टॉल कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे 5 इंस्टॉल पॉलिसी बाजार एंड रन एंड यू विल रिसीव द सेंट विद इन 5 मिनट्स। अब यहाँ पे मिलता है सेंट, और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक सेंट का वैल्यू करीब $1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बहुत तरीका से कमा सकते हैं, यहाँ पे ऑफर में जाइएगा तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा देखने के लिए। तो जितना आप इसको सर्च कीजिएगा यहाँ पे, मैं आपको बोलना चाहूँगा चूँकि वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑब्वियसली बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो है मैंने बता दिया है आपको कैसे यहाँ पे सर्च कीजिएगा, वो जाके सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप देखिएगा कि हाँ यहाँ पे वीडियो देखने का इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, और सारा पैसा मैंने दिखा दिया है आपको कहाँ पे दिखेगा, आपका नाम है यहाँ पे दिखेगा, आपको ऐड होता चला जाएगा। तो ये आप करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा इस पैसे को निकालने के लिए आपका पेपल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आगे बताऊँगा। पहले यहाँ पे पैसा आप जमा कीजिए, मिनिमम $10 यहाँ पे हो जाएगा तो वो आप निकालिएगा। पेपल अकाउंट आपको बनाना जरूरी है, पेपल अकाउंट होना जरूरी है क्योंकि विदेश से पैसा इंडिया में लाना है। तो किन के पास पेपल नहीं है वो बता दीजिएगा, हम पेपल भी यहाँ पे वीडियो बना देंगे, ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ लेकिन फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको बता देना चाहता हूँ, वो तो आप अर्न कीजिएगा ही कीजिएगा, कोई दिक्कत आता है तो कॉमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पे दोस्त मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें वाइसेंस करके एक प्लेलिस्ट होगा, सारा वीडियो उसी में आपको मिलेगा। जो भी आपको डाउट होगा इससे संबंधित कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको हमेशा हेल्प करूँगा। काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, करके देखिए होता है कि नहीं। और यहाँ पे दोस्त ये जो है एफिलिएट, आप लोग एक काम कीजिएगा एफिलिएट में जाइएगा। एफिलिएट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। एफिलिएट में जाइएगा और ये एफिलिएट प्रोग्राम जो है, एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए आपके सामने ये खुल जाएगा। दोस्त मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका एक रेफरल लिंक यहाँ पे है, है ना, ये जो रेफरल लिंक है इसको कॉपी कर दीजिएगा, और कॉपी करके आप अपने दोस्तों को, ये मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा मनी 30,000 रुपया वहाँ से आप अर्न कर सकते हैं सेल्फ से, लेकिन ये जो है रेफरल प्रोग्राम भी इसका ज़बरदस्त है और यहाँ से दोस्तों अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है। इसका बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन फिलहाल मैं इतना कह देना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को ये अपना लिंक शेयर करके कॉपी करके उनको बोलिएगा डाउनलोड करने के लिए। जब वो डाउनलोड करेंगे और उनको बोलिएगा मतलब वेबसाइट पे जाके वो साइन अप करेंगे, वीडियो आपको दे दीजिएगा जो वीडियो में जो बताया है वैसा ही करना है, उनको भी काम स्टार्ट करवा दीजिए और देखिए वहाँ से भी अर्निंग आपको मिलेगा। दोस्त पहले आप अर्निंग लीजिए, आप खुद मुझे बोलिएगा कि हाँ सर पैसा हमको आ रहा है, तो ठीक है मैंने बता दिया, ये काम आप स्टार्ट कर दीजिए और आगे जो भी समस्या होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वही कॉपी कलम जरूर रखिएगा और ये जो मैंने आपको बताया है टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लीजिए आराम से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्त पैसा जो है जो है मुश्किल से आता है, सही बात है, लेकिन एक तरीका मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पर आप अर्निंग से डॉलर कमा सकते हैं, 30,000 रुपया आराम से यहाँ पर कमा सकते हैं। तो करके देखिए और कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा ज़रूर।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको मैंने सही से समझा पाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे भी इस तरह का कोई सेल्फ प्लेटफॉर्म आएगा अर्निंग वाला तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। हे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे करना है, क्या करना है, सारा कुछ मैंने बता दिया। रही बात रेफरल इनकम का, तो रेफरल इनकम दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मिलता है यहाँ पे, है ना। मैंने सिर्फ बता दिया है कि आप लोगों को अपना ये लिंक भेज दीजिएगा, उनको बोलिए कि भैया ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ से तुम इस तरह का काम करो जो वीडियो में बताया गया है, ठीक है ना। तो उससे क्या बेनिफिट होगा ये मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लंबा थोड़ा हो गया है, लेकिन चिंता नहीं करना है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन